नारायण तुम्हारा मौसी आई है हैं आसी चंदी गेट में है ये मेरा है ये मेरा बुक है गेट रे कौन एक गेट रे ठोक ठोक सुन चल ले देखियो देख जा देख आसी नहीं तले फोन कर थिले मुझे सुने दिया था फोन किए थे ना फोन किए थे मुझे सुने दे रहा था खेती जल्दी रेडी हो जाओ स्कूल जाना अब यहाँ पे भैया आने अच्छे से पपिया उगेगा इसलिए फलेगा इसलिए वहाँ पे टुटका मार रहे हैं भैया उठे हैं अभी अभी और आज उनका स्कूल भी है तो आज अप्रैल फुल है तो अप्रैल फुल के दिन मम्मी को एक अप्रैल फुल बनाएंगे तो किससे बनाएंगे वो भी दिखाते हैं गिर गया हाँ माचिस बॉक्स आप सोचे होंगे माचिस बॉक्स में कैसे अप्रैल फुल बनाते हैं रुको खाएंगे वो अप्रैल फुल लाने वाला ये देखो कैसे बोलेंगे प्लान बता देती हूँ प्लान है मम्मी इसको खोलो ना क्या देखो ना यहाँ पे क्या है मुझे डर लग रहा है माचिस तो नहीं है लेकिन कुत्तो है आप खोलो ना खोल के डर अप्रैल फूल बोलेंगे तो चलो वहाँ पे मम्मी किचन में काम कर रही है सॉरी ब्रेकफास्ट बना रही है अभी अप्रैल फूल बनाते हैं चलो मम्मी हाँ। इसको खोलो ना मुझे कुछ डर लग रहा है क्योंकि क्या है इसके अंदर क्या है कुछ भी नहीं है तो वैसे में आज ब्रेकफास्ट क्या बना रही हो मम्मी क्या बनेगा कौन सा पिठा मुन्ना पिठा अच्छा बना बना हमारे लिए नारियल नारियल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं मुन्ना पिठा और अब ये भी रेडी हो गए हैं और भैया खा के जाएंगे चावल और आलू पत्ता चलो खाते हैं अब टाइम हो गया है भैया का स्कूल जाने का 8 बजे हो जाएगा मैं भी छोड़ने जाऊंगी लाने भी जाऊंगी इतने लोग जाएंगे छोड़ने भूमिका जी स्कूल এটা কোয়া বসতে দে আগরে আগরে না না সি আগরে না সি পছরে বসতে তো আগরে বস তো বেগটা দে মতে দে আরে উ দে মু ভি যাচ্ছি তো তো ছাড়তে চলো বার स्कूल जीवे पापा भी स्कूल जीवे हाँ छुआ छोटा छुआ गाड़ी ने चलबो तो
को स्टार्ट करते हैं। तो आज है उत्कल दिवस की, आज ओडिशा गठित हुआ था, तो आज मैं आज ओडिशा का जन्मदिन है। मैं तो बहुत खुशी है, हम ओडिशा वासी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। और आज सब लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, किसी को भी आप झूठ बोल सकती हो, बोल सकते हो। मैं भी मम्मी को करी थी, पापा को भी करी थी सुबह, अब वो वीडियो देख लीजिए। तो मुझे तो बहुत मजा आया अप्रैल फूल झूठ बोल के अप्रैल फूल चुराते हैं, तो डरा देते हैं अप्रैल फूल, ऐसा कहते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी मम्मी बना रही है सब्जी, सुबह ही बना दिया, और देख सकते हो अभी साग बना दिया। और आज पापा थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई करके अभी थक कर बैठे हैं, सोए हैं। और ये देखिए फैन चल रहा है, गर्मी लग रही है, और मैं यहाँ पे कैमरा में, बहुत जोर से धूप दे रही है, आप देख सकते हो बहुत गर्मी हो रही है। आज इतना सारा कपड़ा धोए हैं, सब सूख गया इतनी धूप में बहुत जल्दी। और बाहर भी है, यहाँ पे साग बना रही है। कौन सा साग है मम्मी? तो मुझे भी कोसरा साग ना, क्या बोलते हैं, कोसरा साग लेती है। अब बता छुई है, और इतना सारा और है यहाँ पे कपड़े। आज तो ओडिशा का जन्मदिन है, तो आज पखाल भात तो जरूर होगा, तो उसके लिए चाहिए हमें पखाल भात। पखाल भात तो बन चुका है, और यहाँ पर मैंने भिंडी को भी फ्राई कर दिया है, देख सकते हो आपने बहुत अच्छी तरह। और अभी मैं एक, तो आज मैं करेला का एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी जरूर दिखाऊंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए करेला, और ये लहसुन प्याज, और ये हरी मिर्च, इसको मैं दरदरा ग्राइंडिंग कर दूंगी। तो चलिए पहले कर लेती हूँ, मैं पीस लेती हूँ। तो देखिए मैं पीस लिया, तो कढ़ाई में मैंने तेल भी दे दिया, और गरम हो गया शायद, हाँ गरम हो गया तेल भी। तो इसमें थोड़ा सा जीरा दूंगी, हरी मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, अभी से हम इसको मिला देंगे। ऐसे करेला को करने से उसका करेला सब बच्चे भी खाएंगे, थोड़ा सा भी कड़वा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। तो भून लेते हैं अच्छी तरह से, और यहाँ पर एक बोल रहा है ख्याति के लिए, और एक खाने के लिए बोल रही है, और कल तो नहीं खा पाएगी, कल से नवरात्र शुरू हो जाएगी, तो इसलिए उसको दे रहे हैं आज एग, इनको वो नहीं मानेगी। और अभी थोड़ा सा आलू को भी हम ग्राइंडिंग कर लेंगे, और उसमें मिला देंगे, उस वक्त उसमें जगह नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको बाद में पीस रही हूँ। तो अभी हम इसमें आलू को भी मिला देंगे। ये हमारा कलरा करेला का पतवा हो गया, तो नहीं हुआ अभी, इसको ऐसे ही पकाएंगे, कुछ देर ऐसे ही पकाएंगे, और नहीं तो पकेगा नहीं। तो देखिए हमारा करेला का पतवा रेडी हो गया। तो अभी ख्याति आज पखाल नहीं खा रही है, वो खा रही है, तो उसका भाभी ला दिए थे, क्या लाए थे, मछली और एग, घर का एग है, तो चलो खाओ तुम मस्त पखाल भात। करेला का सब्जी कैसा लग रहा है?
चलिए टेस्ट करते हैं करेला का सब्जी कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैंने भी किया है लेकिन अच्छा लग रहा है, पखाल के साथ और भी अच्छा। नीट लग रही है? नहीं। तो गई, जब भी हमारा लंच भी खत्म हो गया। नहीं खत्म हुआ, थोड़ा सा बाकी है। हाँ, मम्मी का आया नहीं, लाने गए हैं तो वो उसका बाकी है। और सो यमी था आज न्यू स्टाइल का करेला का पतवा जो हमने पखाल भात के साथ खाया, तो बहुत ही यमी था। तुम तो नहीं खाई, तुमको क्या पता, बहुत ही यमी था गाइस। मैं भी फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, ऐसे तो पोड़ा खाई हूँ, बहुत टाइप का खाई हूँ लेकिन ऐसा मैं पहली बार आज बनाई थी और अच्छा भी लगा। मुझे लड्डू लग रहा था, कैसा लगेगा पता नहीं, चलो बहुत अच्छा रहा। ये तो, क्या कर रही थी, पुष्पराज क्या? मैं पुष्पराज बन रही थी आज, झुकेगी नहीं। देखिए अभी 2:30 बज गया, मगर पखाल खाने के बाद जो नींद लग रहा है वो पूछो मत। खाना देकर सोएंगे ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए आपके साथ थोड़ा सा बात कर रहे हैं क्या करें। और नहीं सोए तो अभी अच्छा नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा सो कर उठेंगे और खेती का बाल कटवाने जाएंगे। जल्दी जाएंगे क्योंकि नहीं नहीं जल्दी जाएंगे क्योंकि शाम को ट्यूशन भी होता है, तो इसीलिए जाना पड़ेगा। इसकी गर्मी में थोड़ा सा बाल जरूर कटवाना पड़ेगा, चोटी भी नहीं बुक करती है। ये देखो इतनी सी बाल है, ये कट करने वाले हैं। इतना सारा कपड़े हम फॉल भी करना भी है, जो स्क्रीन वगैरह है उसको लगाना है, बहुत सारा काम, बहुत मतलब क्या करे। पहले तो थोड़ा बहुत कर लिया, बेडशीट वगैरह बिछा दिया, वो पापा आए थे और कर दिया जी, लेकिन और भी इतना है, वो इतना पापा और मम्मी के बीच में हुआ है क्या? क्या 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 मम्मी और पापा के बीच में हुआ है लड़ाई लड़ाई। तो गई जब शाम को बाहुबली पानी पूरी का चैलेंज होगा, प्रिपरेशन चल रहा है। तो आखिरकार अभी जा रहे हैं ख्याति का बाल कटवाने, देखते हैं आज होता है कि नहीं। आज भी भगवान करे दुकान तो आप देख सकते हो मेरा बाल कैसे कटवा लिया। ये देखिए अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। तो डिनर भी हमारे खत्म हो गया, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।